इसरो अपनी पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर लॉन्च करेगा। इसका नाम है आदित्य L1। साधारण भाषा में आप इसे भारत का सूर्ययान भी बुला सकते हैं। आदित्य की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट को चुना है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। ये चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है PSLV-XL रॉकेट, जिसका नंबर है PSLV-C57। आदित्य अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा। उसके बाद ये धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगा क्रूज फेज। ये फेज थोड़ा लंबा चलेगा। इसके बाद इसे हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाले हैं। अब जानेंगे कि सूरज की स्टडी क्यों जरूरी है। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। धरती से इसकी दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर का तापमान अधिकतम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसी की वजह से सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसके फोटोस्फेयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। अब ये भी समझिए कि आदित्य मिशन क्या काम करेगा। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह, सोलर फ्लेयर्स और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी स्टडी करेगा। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। सूर्ययान में 7 पेलोड्स हैं। सबसे अहम पेलोड विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। बाकी 6 पेलोड्स इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाए हैं। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लैरेंजियन पॉइंट। इसलिए उसके नाम में L1 जुड़ा है। L1 असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहां कई उपग्रह तैनात हैं। भारत का सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट से सूरज की स्टडी करेगा, करीब नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से सिर्फ एक ही मिशन फेल हुआ है।